मित्रों, आज मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी चंदा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज देखिए टीजीटी सुकनासो प्रदेश लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सुकनासो प्रदेश का 6 गद्यखंड मैंने आपके सामने जो है प्रस्तुत कर दिया है। अब 7वां गद्यखंड आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। देखिए मित्रों, अब सुकनास जी चंद्रापीठ को लक्ष्मी का उपदेश देते हुए बात बता रहे हैं कि यह लक्ष्मी जो है इतनी दुष्ट होती है, इतनी पिशाचिनी होती है कि जैसे जैसे यह आपके मन को तो बढ़ाती जाती है, लेकिन गुरुता को बढ़ाते हुए भी लघुता को प्राप्त कराया करती है। इसी गद्यखंड को आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं, अप्रत्यय बहुला च देवशांत कमलम इव समुपचित मूल दंड कोश मंडलम अपि मुंचत भूभुजम लता इव बिटपकान अध्यारोहति गंगा इव वसुजनन्यपि तरंग बुदबुद चंचला दिवस करगतिरिव प्रकटित विविध संक्रांति पाताल गुहेव तमो बहुला हिडिंबा इव भीम साहसैक हार्यम हृदया हार्य हृदया प्राबृट इव अचिर द्युतिकारिणी। देखिए मित्रों, यहाँ पर बताया गया है अप्रत्यय बहुला च, अप्रत्यय बहुला च अत्यधिक अविश्वसनीय, अत्यधिक अविश्वसनीय, अत्यधिक अविश्वसनीय का इयम लक्ष्मी, यह लक्ष्मी इतनी अविश्वसनीय है कि जैसे दिवसांत कमलम इव दिवस अंतम, यहां पर देखिए अकस्मणे दीर्घा है, दिवसांत कमलम इव उपमा अलंकार है, कमलम इव दिवसांत कमल की भांति, दिन का जैसे समापन हो जाता है तो दिन के समापन हुए कमल की भांति यह क्या करती है, जैसे दिन के समाप्ति के बाद कमल मुरझा जाता है, उसकी कलियां जो है सूख जाया करती हैं और वो आपस में मिल जाया करती हैं, उसी प्रकार से दिवसांत कमलम इव सायंकालीन कमल की भांति क्या हो जाता है, समुपचित मूल दंड कोश मंडलम अपि मुंचत भूभुजम, यह राजाओं को उसी प्रकार से छोड़ दिया करती है, भूभुजम माने राजाओं को, भुवम भुनक्ति, भुवम भुनक्ति यहां पर उपपद तत्पुरुष समास है मित्रों, भुवम भुनक्ति भूभुजम, भुवम भुनक्ति भूभुजम, तो कहा यह राजाओं को उसी प्रकार से छोड़ देती है जैसे दिवसांत कमलम सायंकालीन कमल को जैसे समुपचित माने छोड़ दिया करते हैं सम्यक रूप से, मूल माने सैन्य और कमल के पक्ष में मित्रों क्या हो जाएगा, मूल माने जड़, दंड माने जैसे साम दाम दंड भय भेद ये जो है राजाओं के पास जो हुआ करते हैं, और कमल में दंड का मतलब है कमल नाल, जैसे कमल नाल में लगा हुआ वह कमल कोश माने कली के मंडल माने विस्तार को मुंचत माने छोड़ दिया करता है, जैसे दिन के समापन के बाद में कमल जो कि क्या रहता है, मूल जड़ और नाल से लगा हुआ जो कोश की कली रहती है कमल की, वह कली का विस्तार जो है संकुचित हो जाया करता है, सूर्य के समाप्त होने पर सूर्य के डूब जाने पर वह जो है संकुचित हो जाता करता है, सिकुड़ जाया करता है, उसी प्रकार से भूभुजम माने राजाओं को, दंड माने दाम दंड भय भेद, साम दंड भय भेद आदि ये जो राजाओं के हुआ करते हैं 6 गुण यह है, और मूल का मतलब है सैन्य सेना, सेना है, दंड है, कोश माने खजाना है, मंडल माने विस्तार, जनपद जो है ये सभी जनपद आप उस राजा को छोड़ दिया करते हैं, कैसे जैसे दिवसांत कमल की भांति जो है काली वगैरह ये सब जो है समुचित होकर के मिल जाया करते हैं, वैसे ही यह लक्ष्मी इतनी अविश्वसनीय है कि यह दिवसांत कमलम जो समुचित दंड नल नाल दंड कोश मंडलम अपि मुंचत भूभुजम, लतेव लता की भांति, लतेव बिटपकान अध्यारोहति, लता की भांति कहा जैसे लताएं बिटप माने वृक्षों से
आप देखिए बीटप यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार है मित्रों। बीटप माने वृक्ष भी होता है और बीटप कान माने जो है धूर्त होता है। बीटप माने धूर्त भी होता है, बीटप माने वृक्ष भी होता है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। लता इव बीटप कान अध्यारोहयत, कहा जो है लता की भांति धूर्तों का आश्रय लेती है यह लक्ष्मी। जैसे लताएं वृक्षों का सहारा लेकर के ऊपर आगे की ओर ऊपर चढ़ते हुए अधियारोहयत ऊपर की ओर चढ़ते हुए वह सहारा प्राप्त करके बढ़ती हैं, वैसे ही मित्रों यह लक्ष्मी धूर्तों का आश्रय लेती है। धूर्तों के पास लक्ष्मी चला जाया करती है, कहां से? राजाओं के स्थान को छोड़ करके, राजाओं के पद को छोड़ करके, राजाओं के साथ को छोड़ करके यह लक्ष्मी लता की भांति, जैसे लताएं वृक्षों का सहारा प्राप्त करके ऊपर चली जाती हैं, वैसे ही यह धूर्तों के पास चली जाया करती है। अगला है मित्रों, गंगेव बस जनन जनन्यपि तरंग बुदबुद चंचलाह, कहा गंगा की भांति, गंगा की भांति वस जनन्यपि, गंगा की भांति यह अष्ट वसुओं की जननी होते हुए भी, यह जो है गंगा आठ वसुओं की जननी है। संपूर्ण वसु धन संपत्ति जितनी भी उत्पन्न हुए हैं ये सभी कहाँ से उत्पन्न हुए हैं मित्रों? ये गंगा से उत्पन्न हुए हैं। तो वसु नामक जो आठ प्रसिद्ध देवता हैं उनकी जननी, उनकी माता होते हुए भी तरंग बुदबुद चंचला, तरंग बुदबुद चंचला कहा जो है तरंग और बुलबुले के समान चंचल, तरंग और बुलबुले के समान चंचल यह कौन हुआ करती है? लक्ष्मी हुआ करती है। गंगा इव वस जनन्यपि, गंगा की भांति धन की जननी होते हुए भी तरंग और बुलबुलों की समान चंचल हुआ करती है। जैसे अनेक प्रकार के तरंगों और बुलबुलों को धारण करती हुई भी यह गंगा जैसे चंचल हुआ करती है, वैसे ही अनेक प्रकार के उच्चता और निम्नता को प्राप्त किए हुए यह लक्ष्मी भी अति चंचला हुआ करती है। दिवस कर गति इव प्रकटित विविध संक्रांति, हाँ कहा सूर्य के गति के समान, सूर्य के गति के समान अनेक प्रकार के लोगों को यह क्या करती है? प्रकाशित करती है। जैसे सूर्य अपने गति के प्रभाव से, सूर्य जब उदित होता है तो सूर्य के उदित होने पर सभी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, और अन्य सभी जो धूर्त लोग होते हैं या अज्ञानता रूपी जो अंधकार होता है वह सब गायब हो जाते हैं। जैसे कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा है, उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। राम रूपी सूर्य जब उदयाचल रूपी पर्वत पर, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर आकर के विराजमान हो जाया करते हैं, तो बिकसे संत सरोज सब, संतों का मन रूपी कमल मित्रों क्या हो जाया करता है? खिल जाया करता है। उसी प्रकार से मित्रों यह जो है लक्ष्मी क्या हुआ करती है? सूर्य की गति की भांति, जैसे सूर्य जो है अपने गति के अनुसार कहीं पर प्रकाश कहीं पर अंधकार जो है दिखाई दिया करता है, वैसे ही यह जिनके पास पहुंचती है उन लोगों में तो गर्व हो जाया करता है, और जिसके पास लक्ष्मी नहीं होती है मित्रों वो बेचारे धन के लिए विकला हो जाते हैं, बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं। तो कहा जैसे दिवस कर गति इव, दिवस कर गति इव, दिवस कर गति इव, दिवस कर माने सूर्य, सूर्य के गति की भांति, सूर्य के गति की भांति प्रकटित विविध संक्रांति, यह अनेक प्रकार के लोगों को क्या किया करती है? प्रकाशित किया करती है। पाताल गुहेव तमो बहुला, पाताल गुहेव तमो बहुला, कहा पाताल गुफा के समान यह जो है तमोगुण को उत्पन्न करने वाली होती है यह लक्ष्मी। पाताल गुहेव, जैसे पाताल में कोई गुफा हो
और वह बहुत भयंकर अंधकार से युक्त हुआ करती है। वैसे ही मित्रों, यह कौन, यह लक्ष्मी इतनी जो है नीच होती है, इतनी जो है अविश्वसनीय होती है कि पाताल गुफा के समान यह जो है तमोगुण रूपी अंधकार को जन्म दिया करती। सतोगुण तमोगुण रजोगुण जैसे तीन गुण हुआ करते हैं, वैसे ही अंधकार रूपी अज्ञानता के तमोगुण को यह जन्म दिया करती है। हिडिंबा इव, हिडिंबा जो है ये भीम की पत्नी है, घटोत्कच की माँ है, तो घटोत्कच को जन्म देने के पहले यह जो है हिडिंबा भीम जैसे साहसी पुरुष के हृदय को उसने अपनी ओर जबरन खींच लिया। तो कहा गया है मित्रों कि हिडिंबा इव, हिडिंबा की भांति भीम साहसिक हार्य हृदय, जैसे भीम के हृदय को हिडिंबा ने हरण कर लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया, खींच लिया, वैसे ही मित्रों यह लक्ष्मी लोगों के मन को अपने ओर आकर्षित कर लिया करती है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यह लक्ष्मी किसके साहस को जो है कमजोर बना करके किसके समान अपनी ओर ग्रहण कर लेती है, तो मित्रों हिडिंबा के समान। हिडिंबा जैसे अत्यंत साहसी भीम जो है, अत्यंत साहस 10,000 हाथियों का बल था जिसमें, ऐसे साहस वाले भीम के हृदय को जिसने क्या कर लिया, अपनी ओर खींच लिया। भीम साहसिक हार हृदय हिडिंबा इव, वैसे ही यह लक्ष्मी मित्रों इतनी अविश्वसनीय है, इतनी दुष्ट प्रकृति वाली है कि हिडिंबा के समान भीम जैसे साहसी पुरुषों के हृदय को भी यह ग्रहण कर लेने वाली है। अब अगला है मित्रों, फिर कहा कि प्रावृत इव, प्रावृत, प्रावृत माने वर्षा, प्रावृत माने वर्षा, वर्षा ऋतु के समान यह क्या किया करती है, क्षणिक प्रकाश उत्पन्न करने वाली है। प्रावृत इव अचिर द्युतकारिणी, प्रावृत इव अचिर द्युतकारिणी, वर्षा के समान। जैसे वर्षा कालीन बेला में मित्रों देखिए, जब वर्षा ऋतु आ जाती है तो क्या होता है, कहीं कहीं प्रकाश, अरे बादल छाए गहराए बरसात हो गई, तो बादलों की छटा जब आसमान में हो जाया करती है तो उस समय कहीं कहीं पर घोर अंधकार विद्यमान हो जाता है और कहीं कहीं पर बिजलियां चमकती हैं तो प्रकाश हो जाया करता है। तो मित्रों वही कहा गया है कि जैसे प्रावृत इव अचिर द्युतकारिणी, वर्षा ऋतु के समान क्षणिक प्रकाश उत्पन्न करने वाली यह लक्ष्मी होती है। थोड़े समय के लिए जिसके पास यह लक्ष्मी पहुंच जाया करती है वह तो अत्यंत प्रकाशवान हो जाता है। सर्वे गुणा कांचन आश्रयन्ते, टका धर्म टका कर्म टका ही परमं तपः, जस्य गेहे टका नास्ति तत्सर्वं टक टका टकी। जैसे मित्रों बताया गया है टका ही प्रधान है, इफ योर पॉकेट इज फुल ऑफ मनी देन मेनी अदर फ्रेंड, एंड इफ योर पॉकेट इज नॉन मनी देन नो एनी वन फ्रेंड। वैसे भी एक हिंदी में मुहावरा है, छूछी के पूछी, छूछी का मतलब है जो खाली है, जिसके पास कुछ नहीं है, आज दुनिया में उसकी कदर मित्रों नहीं है। कहने का मतलब है सर्वे गुणाह कांचन माश्रयन्ति, अगर आपके पास जो है पैसा है, धन है, रुपया है, डेरा है, जायदाद है, या आप विद्या से युक्त हैं, रूप से युक्त हैं, तो समझ लीजिए कि सारे गुण आपके पास हैं, या ना कुछ होते हुए भी अगर आपके पास यह लक्ष्मी है मित्रों तो यह जो है कैसी होती है, जैसे अचिर द्युतकारिणी, जैसे वर्षा ऋतु में कहीं कहीं पर प्रकाश होता है, कहीं कहीं पर अंधकार होता है, तो जैसे जो उच्च भाग होते हैं वहां पर प्रकाश, जो निम्न भाग है वहां पर अंधकार, उसी प्रकार से जिनके पास यह लक्ष्मी है यह उच्चता को प्राप्त होते हुए प्रकाशवान होता है, और जिसके पास लक्ष्मी नहीं है वह निम्नता को प्राप्त करते हुए, रिजता को प्राप्त करते हुए वह क्या हो जाता है, अंधकार युक्त हो जाता है। तो मित्रों प्रावृत इव अचिर द्युतकारिणी, वर्षा के समान यह जो है अति क्षणिक प्रकाश उत्पन्न करने वाली हुआ करती है। मित्रों एक बार इसको आप पुनः देखें, कहा जो है अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमलम इव। अब आप अभी मैंने किताब के आधार पर बताया, किताब से पढ़ करके अब आप इसके आधार पर देख सकते हैं मित्रों, कहा अप्रत्यय बहुला दिवसांत कमलम इव समुचित, मूल दंड कोश मंडलम अपि मुंचत भुभुजम,
कहा यह राजाओं को कैसे छोड़ दिया करती है यह अप्रत्यय बहुला, यह अविश्वसनीय लक्ष्मी दिवसांत कमलम इव, राजाओं को दिन के कमल के समान छोड़ दिया करती है। कैसे? जैसे रात्रि के आगमन के समय में अर्थात दिन के समाप्ति के बाद कमल जैसे क्या करता है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात प्रभातम भास्वानुदयस्यति हस्यस्यति पंकजालिहे, सूर्य के उदित होने पर वही कमल जो है प्रसन्नता के कारण खिल जाया करता है, कलियां विकसित हो जाया करती हैं, लेकिन वही दिन के समापन पर मूल माने जड़, दंड माने नाल, कोष माने विस्तार, मंडल माने संपूर्ण, संपूर्ण विस्तार उसका कलियों का जो विस्तार फैला हुआ रहता दल रहता है समुपजित एकत्रित होकर के या वह कुमिला करके जो है जैसे उस लावण्यता को उस सुंदरता का उस खिले हुए पन को छोड़ दिया करता है, वैसे ही मित्रों यह लक्ष्मी राजाओं को छोड़ दिया करती है। लता इव जैसे लताएं लतेव है तो लता इव जैसे लताएं वृक्षों का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ जाया करती हैं, वैसे ही यह धूर्तों का आश्रय लेकर के ऊपर चली जाती है, उनके पास धूर्तों के पास चली जाती है। गंगा इव वसुजन्यपि, गंगा के समान वसुओं की जननी होते हुए भी अनेक प्रकार के तरंगों और बुलबुलों से युक्त चंचलता को जन्म दिया करती है, वैसे ही यह यद्यपि धन की माता है लक्ष्मी है, लेकिन फिर भी यह लक्ष्मी जिसके पास हो जाती है अरे प्रभुता पाई काहे मद नाहि, प्रभुता पाई काहे मद नाहि, जिसके पास धन संपत्ति हो जाती है प्रभुता हो जाती है मित्रों उसके अंतर्गत गर्व का होना स्वभावतः है। तो भूभुजम में मित्रों देखिए भुनक्ति भुवम भुनक्ति की प्रत्यांत ये शब्द है मित्रों। अब फिर कहा गया कि दिवसकर गति इव प्रकटित विविध मकर संक्रांति, कहा दिवसकर गति सूर्य की गति के समान अनेक प्रकार के संक्रांतियों को अनेक प्रकार के लोगों को प्रकाशित किया करती है, और पाताल गुहेव अतितमो बहुला, पाताल गुफा की भांत अत्यधिक अंधकार से युक्त हुआ करती है। हिडिंबा इव भीम साहसिक हारे हृदय, हिडिंबा के समान भीम जैसे साहसी पुरुषों के हृदय को ग्रहण कर लेने वाली है। प्राबृत इव और वर्षा के समान जो है अचिर द्युतकारिणी थोड़े समय के लिए प्रकाश को उत्पन्न करती है, उसके बाद मित्रों यह जो है अंधकार को ही जन्म दिया करती है। तो धन के समापन के बाद में जैसे ही लक्ष्मी समाप्त हो जाती है मित्रों गर्व हमारा धीरे धीरे चूर्ण हो जाता है, और गर्व के चूर्ण होने पर व्यक्ति पुनः सामान्य जैसे हो जाया किया करता है। तो इस प्रकार से मित्रों ये आपका गद्य खंड सातवां गद्य खंड हो गया। अब अगले गद्य खंड के साथ मित्रों पुनः आपसे मुलाकात होगी। मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे चंद्रा संस्थान के अंतर्गत ऑनलाइन की क्लास लगभग सभी विषयों की चालू हो गई है, आप सभी अपने मित्रों को बता दें और निश्चित रूप से जुड़ करके लाभ प्राप्त करें। निश्चित रूप से हम लोगों ने सफलता दिलाने का एक जो है संकल्प लिया है, और निश्चित रूप से मेहनत करते हुए आप लोग भी लगन लगा करके निष्ठा के साथ पढ़ें, निश्चित रूप से सफलता देंगे अवश्य। नमः संस्कृताय, नमो नमः मित्राणि, धन्यवाद है।